हेलो फ्रेंड्स, मंटू ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और फ्रेंड्स, आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं? नाश्ता करेगा दे? हाँ नाश्ता करेगा। हाँ नाश्ता खाने के लिए दो दे दो ना, करे दो नाश्ता दो। शांति दास तैयार हो रहे हैं ट्यूशन जाने के लिए। बोलो फ्रेंड, बोलो। जूही मानल साबुन मंगा देंगे ऑनलाइन। फ्रेंड्स देखिए, शांति दास के जूही बहुत हो, इसे ऑनलाइन भेजना होगा साबुन। जूही मानने लगा कौन सा साबुन, हमें भी नहीं पता है। प्लीज़ कमेंट में इसको बता दीजिएगा। हाँ साबुन चाहिए ना। और अमित दास को उठा रहा है, उठने नहीं खोज रहा है, तो मम्मी उठा रहा है। नहीं उठ रहा है। मम्मा गोलू मम्मा बापा मम्मा छोड़ ना ट्यूशन जा भी उठ 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 उठ। ट्यूशन के लिए उसकी मम्मी उसको उठा रहा है। गोलू मम्मा गोलू नहीं उठ रहा नहीं है। ट्यूशन जा मैं ट्यूशन जा कर। देखिए आधा सोया हुआ है। ट्यूशन जा कर ना गोलू। देखिए फ्रेंड्स, उठने का ना मेरे बेटा उठे नहीं, ट्यूशन नहीं जाएगा बोल रहा है। नहीं जाएगा। और देखिए फिर सो जा रहा है। और देखिए ट्यूशन जाएगा कि नहीं। तो क्या हो, नहीं उठ रहे? चलो नहीं। हाँ नहीं, ट्यूशन जाने के लिए नहीं उठ रहे हैं। नहीं जाएगा ना, बाजार तरफ होगा। तो देख मेरे नाश्ता दे दो। नाश्ता कर लिए हैं, चाय पी ले रहे हैं। और चाय पी के अब दुकान निकलेंगे काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बच्चे लोग को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं। ट्यूशन जाएंगे लोग, आधी रात ट्यूशन जाएंगे अभी। लो क्या लेगा, ले लो खाने का, क्या लेगा? हल्के बोल ले ली है, हल्के बोल के आरो अमित या बाबू ले लिया। चलो अब ट्यूशन चलो, दे दीजिए उसको 5 रुपये। ले लो मुन्नू 5 रुपये। तो फ्रेंड्स चलो अपना खाने के ले लिया, वेलू जाएगा ट्यूशन। यहाँ से लोग ट्यूशन छोड़ेंगे। चलो टाटा कर दो फ्रेंड्स को। हाँ आज ट्यूशन नहीं जाएगा ये बोला, आज ट्यूशन नहीं जाएगा। तुम ट्यूशन जाएगा? चलो तो आज ट्यूशन चलो। अब उतरो, ट्यूशन पहुँच गया है, जा रहा है। ठीक है जाओ, हम भी जा रहे हैं दुकान की ओर। बच्चे को ट्यूशन छोड़ दिए हैं। और तुम मैं जाएगा नहीं ट्यूशन? आज का होमवर्क नहीं बनाया इसलिए ट्यूशन नहीं जाएगा। मीठ खाने का तो ले लिया बड़ा वाला, लेकिन ट्यूशन नहीं जाएगा बोलते। जा रहे ट्यूशन जा, दीदी जा रहे अकेले। कहाँ है, क्या हुआ आज? अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ? ये बोल रहा ठीक नहीं लग रहा है, ट्यूशन नहीं जाएंगे। तो फिर घूमते हैं आगे और रास्ते में मेरे बस्ती के बगल में है। यहाँ पर पानी हमेशा सूख जाता था, और ग्रामीण क्षेत्र आप जानते हैं। और यहाँ पर पूरा खुदाई किया है पहले, यहाँ उतना गड्ढा नहीं था, नहाने बहुत दिक्कत होता थे। गड्ढा करके पूरा यहाँ तालाब बना दिया है। देखिए बहुत ही बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा गड्ढा किया हुआ। यहाँ सब बस्ती के सारे ग्रामीण आदमी सब नहाते हैं। हम लोग भी कभी कभी आते हैं नहाने के लिए। बस मेरे घर का थोड़ा सा आगे में है, इस जगह का नाम है सरजंदा से आगे है बाहुन घोड़ा, रेलवे फाटक के इस पार बाहुन घोड़ा बोलते हैं। और मैं भी आज इधर बहुत दिन का बाद आया, तो मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ इतना इधर बन गया बोल के। पढ़ाई हो रहा था जब मैं फर्स्ट बार आया था, तो ये रोड भी नहीं था। ये रोड भी पूरा जेसीबी से काट के बनाया है।
और तो साइड साइड गिट्टी बिछा रहा है, आधा तो बिछा दिया है, उससे ज़्यादा बिछाया नहीं है। बहुत अच्छा लगा देख के हम लोग बस्ती में जो इतना काम हो रहा है। तो देखिए हम लोग बस्ती में यहाँ तालाब के लिए खुदाई हुआ है, बस्ती के थोड़ा सा आगे में है, बहुत बड़ा खुदाई हुआ और बहुत मुझे खुशी हुआ जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र आदमी लोग नहाने में दिक्कत नहीं होगी। आगे बहुत दिक्कत होते थे, पानी सूख जाता था। तो फ्रेंड सपोर्ट कीजिएगा और मैं आगे इस तरह का ब्लॉग बनाता रहूँगा, तो आपका सपोर्ट कीजिए फ्रेंड।